दोस्तों बहुतों को पता है कि आई एम इन लुधियाना राइट नाउ, वंडरफुल लुधियाना. आई एम स्टेइंग एट हयात रीजेंसी ऑन फिरोजपुर रोड. इट्स अ नाइस होटल एंड मेनी पीपल फाइंड इट इजी टू कम एंड मीट मी. दे आर कमिंग विद द प्रॉब्लम्स, सो आई एम डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स वन टू वन एंड आई एम थैंकफुल टू मेनी पीपल हु रिलाई ऑन माई एडवाइस टू करेक्ट द इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स. एंड सम प्रॉब्लम्स आई कैनॉट सॉल्व, लाइक समबडी हु हैज बीन बैन फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, आई कैनॉट डू एनीथिंग. Other problems are easy to correct, and I can give them strategic final advice. What is the right way to do? Should I continue in English or Hindi or Punjabi? Because when I speak in English, some people say, "Oh, नहीं English समझ नहीं आ रही, आप हिंदी बोलो." कोई हिंदी वाले कहते नहीं जी, आप English में थोड़ा वो समझ नहीं आया. कोई पंजाबी कहते हैं, जी पंजाबी रखो दी, तो see why you speak in English. So I'm a little confused. Could be what is the right language for this audience? I wanted to share एक schooling visa का मेरे पास केस आया था कल, और मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा और ना लॉयर का नाम लूंगा, लेकिन जो एक बात जो एक पकड़ में आई है वो आपके साथ शेयर मैं करूंगा. उसके मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि इमिग्रेशन लॉ की बारीकी जाने बगैर आपका केस सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल है. एक फैमिली थी यहाँ से, इंडिया से कैनेडा गई, हस्बैंड वाइफ और एक उनका बच्चा, एक बेटा करीब 9 साल का, 10 साल का. तो वहाँ पर गए, टूरिस्ट वीज़ा लगा हुआ है, 6 महीने की एंट्री मिल गई. तो किसी ने कहा कि आप बच्चे का एडमिशन करा दो यहाँ पर, यहाँ बच्चे का एडमिशन रहेगा, स्कूलिंग जिसको कहते हैं स्कूलिंग वीज़ा, इसके बारे में कई वीडियो में बनाए हुए. तो स्कूलिंग वीज़ा मिल जाएगा तो बच्चा पढ़ता रहेगा, तो आप जाके फिर सेटिंग कर लेना, आते जाते कर जो भी कुछ है. स्कूल गए, प्राइवेट स्कूल है, उनको पैसे दिए, $13,000-14,000 दिए साल के, और उनका उनका वीज़ा लग गया वहाँ पर. एनीवे एप्लीकेशन डाली, ऑनलाइन एप्लीकेशन डलती है. ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद कुछ महीने बाद जवाब आया, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र हो जाती है बाहर, कैनेडियन एम्बेसी लॉस एंजलिस में चली गई. वहाँ से एक जवाब आ गया, ईमेल आ गई, जैसे नोटिफिकेशन ऑनलाइन आता है कि आपका हमने वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव कर दी है, अब आप पासपोर्ट भेजें. तो ठीक है, ये लोग खुश हो गए, तो उन्होंने पासपोर्ट भेज दिया. अब पासपोर्ट कुछ टाइम स्टक रहा, और जब पासपोर्ट वापस आया तो उसमें वीज़ा नहीं था. अब वीज़ा नहीं था तो अब ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वीज़े के बगैर तो फिर आगे परमिट कैसे मिलेगा. अगर आपको वीज़ा चाहिए है तो एक गलती, चलो गलती के बारे में बाद में बात करेंगे, एक चीज़ तो ये है कि जो लॉयर ने, उन्होंने कहा कि आप पोर्ट ऑफ एंट्री चले जाओ, बॉर्डर जो होता है वहाँ पर, फ्लैग पोलिंग कहते हैं उसको, वहाँ पर जाके आप स्टडी परमिट ले लो. इन द मीन टाइम उनका जो 6 मंथ्स का स्टे था वो ख़त्म हो रहा था, और मेरे ख्याल 3-4 दिन शायद ओवर स्टे कर गया था, लेकिन फिर भी उनको पोर्ट ऑफ एंट्री भेज दिया. ये गलती बहुत बड़ी गलती है. इस टाइम इनको ये करना था कि वो कम से कम एक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देते कि एम्प्लाई स्टेटस मिल जाता कि आई एम इन स्टेटस. वो किया नहीं, या भूल गया, जो भी कुछ है. बॉर्डर पे जो CBSA का ऑफिसर था उसने स्टडी परमिट रिफ्यूज़ कर दिया, और उसको कहा कि भाई आपको नहीं मिल सकता, और रिफ्यूज़ल लेटर दे दिया, और आप उनको ये भी कह दिया कि भाई आप ओवर स्टे हैं तो आपको वापस जाना चाहिए. तो वो एक काम ख़राब हो गया. मुड़ के वो इंडिया आ गए. इंडिया में आने के बाद जो लॉयर जनरल किया था उन्होंने कहा कि भाई वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो ख़त्म हो गया वहाँ पर, अब आप ऐसा करो यही एडमिशन लेटर लेके दोबारा चंडीगढ़ से दोबारा अप्लाई कर लो. तो वो कर दिया, वहाँ फिर दोबारा रिफ्यूज़ हो गया जो ओरिजिनल थी के वो जो वहीं पर काउंसलेट से ही रिफ्यूज़ हो गया. तो वहाँ पोर्ट ऑफ एंट्री में रिफ्यूज़ हुआ, यहाँ पर काउंसलेट में रिफ्यूज़ हो गया, तो वो खेल ख़त्म हो गया. इसके बारे में कई बार एक मेरी बातचीत होती रहती है और वीडियो में बनाया है कि स्कूलिंग वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ये है कि 8वीं 9वीं 10वीं या इवन उससे भी नीचे वाली क्लासेस में एडमिशन का जो सिस्टम है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए फेवरेबल नहीं है. क्योंकि ये एक आप रीज़न देखो, उसमें लिखा होता है कि इट इज़ नॉट रीजनेबल आपका पर्पज़ ऑफ स्टडी कि आप इतने पैसे देकर आप 11वीं 12वीं करोगे, उसके बाद हर एक साल रिन्यू करोगे. इस करके वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा आसानी से देते नहीं है, लेकिन इस केस में लॉस एंजलिस वालों ने दे दिया. बात सोचने वाली यह है कि जो वीज़ा ऑफिसर कनाडा में, जो कैनेडियन एम्बेसी लॉस एंजलिस बैठा है, उसका नज़रिया कुछ और है. जो कैनेडियन ऑफिसर जो चंडीगढ़ में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, उसका उसका थोड़ा सा रुख कुछ और है. तो लॉस एंजलिस वाले ने पता नहीं शायद और कैसे दे दिया, इवन आई वाज सरप्राइज कि कैसे मिल गया. एनीवे मिल गया. लेकिन अगर ये इनके पास अगर US वीज़ा होता, अगर ये US जाके वहाँ पर कैनेडियन कौंसुलेट में अपना पासपोर्ट दे देते कि भाई इसमें आप वीज़ा स्टैम्प कर दो, तो बात ढक जाती और उसको परमिट मिल भी जाता, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट हो जाती. लेकिन उनके पास US वीज़ा नहीं था तो वहाँ नहीं जा पाए.
अगर मैं होता वहां पर तो मैं उनको एडवाइस कहता कि आप पोर्ट ऑफ एंट्री ना जाओ, क्योंकि पोर्ट ऑफ एंट्री पे तो आप ऑलरेडी 3-4 दिन ओवर स्टे हो, आप चुप करके आप इंडिया जाओ, जाना तो पड़ेगा एक आध बार, जाओ वहां पर, वहां अपना पासपोर्ट प्रेजेंट करो चंडीगढ़ कौंसलेट को, न्यू दिल्ली हाई कमीशन को, वहां पर वो वीजा लगा देंगे क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में अप्रूव कर दिया है। एक चीज और यहाँ पर मिसिंग लिंक है इसमें कि उनके लॉयर ने कहा, और जैसे कि क्लाइंट ने मेरे को बताया कि उनके पास पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आई। सिस्टम में एक ऑनलाइन मैसेज आता है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो कि भाई आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, ठीक है, उसके बाद नॉर्मली एक पासपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट होता है कि भाई पासपोर्ट आप जमा करो, और वो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई नहीं। पासपोर्ट रिक्वेस्ट क्यों नहीं आई इन्होंने पता नहीं किया। अगर मैं लॉयर होता तो मैं जरूर कैनेडियन कौंसलेट को फ़ोन करता, फैक्स करता, ईमेल करता कि भाई आपने अप्रूव तो कर दिया, पासपोर्ट की रिक्वेस्ट अभी तक नहीं आई है। उससे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो जाता कि भाई क्या चक्कर क्या है, कि आपको वीज़ा लगाना है कि नहीं लगाना है, तो वो थोड़ा सा पता होता था। और अगर पासपोर्ट रिक्वेस्ट अगर उन्होंने नहीं भेजी है फॉर सम रीज़न, या सिस्टम कभी शो नहीं करता, तो उसको लेकर दोबारा से अगर मंगवा के फिर आप चाहे तो US वीज़ा लेके वहाँ पर स्टैंपिंग करा लेते, नहीं तो आके दिल्ली यहाँ पर करा लेते। तो गलती यहाँ पर हो गई, एक तो उन्होंने पासपोर्ट रिक्वेस्ट का वो नहीं भेजा कि लेटर नहीं आया, और दूसरा है कि ये लोग बॉर्डर पर चले गए, इसलिए वो काम जिसको कहते हैं हिंदी में गुड़ गोबर हो गया, सब रिफ्यूज़ हो गया, यहाँ पर भी आए तो भी रिफ्यूज़ हो गया, और अब उसका खेल खत्म है। अभी मेरे ख्याल बच्चा शायद 10th ग्रेड में है, तो अभी 11वीं 12वीं करेंगे, और क्लास ग्रेड 12 के बाद फिर वो दोबारा करेंगे। तो ये एक सिचुएशन है। स्कूलिंग वीज़ा के बारे में मैंने कई वीडियोस पहले भी बनाए हैं, रिसेंटली नहीं, पिछले साल से 2 साल पहले भी बनाए हैं। स्कूलिंग वीज़ा नॉर्मली देते नहीं हैं ये लोग, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को परेशान करते हैं कि भाई आप यहीं पढ़ा लो पहले 12वीं तक, उसके बाद कॉलेज जाना, दैट्स ओके। सो लेकिन इसमें जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम हुई है कि जो बॉर्डर पे जाके लोग कहते हैं कि जी बॉर्डर पे जाएंगे वहाँ जी झट मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि US कनाडा बॉर्डर में आपको कोई भी परमिट, चाहे स्टडी परमिट हो या वर्क परमिट हो या विजिटर परमिट एक्सटेंशन वाला, वो मिल जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ ऑलवेज अ बिग बिग रिस्क, क्योंकि आप ऑफिसर से बात कर रहे हो, ऑफिसर किसी भी वजह से कोई मूड खराब है कि या कोई लॉ में उसको समझ नहीं आया, सारे ऑफिसर्स को लॉ के बारे में पता भी नहीं है अच्छा, तो अगर उनको कोई चीज़ को क्लिक नहीं करी, कंफ्यूजन उनको रहा, तो इमीडिएटली वो रिफ्यूज़ कर देंगे और आप बैक टू जीरो आ जाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये मैं डिस्कस करना था, लोगों को पता है कि मेरा इंटरेस्ट है इमिग्रेशन लॉ में, रिसर्च करने में, मेरा इंटरेस्ट का बहुत सारे पैसे लेके एप्लीकेशन करने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कि कोई किसी मुद्दे को रिसर्च करके उसके जो एक उसके नुक्ते पे पहुंचा जाए कि हुआ कैसे, क्या हुआ इसके बारे में, इन फ्यूचर क्या हो सकता है। So I am in Ludhiana, as you know, and I'm enjoying a great time. Aaj mere khayal barish wara kafi hui hai raat ko, and people know here. So I'll be checking out and I'll be moving back to New Delhi again. Kisi ko milna hai to, you have my WhatsApp number. You can give me a call directly and then we can go from there. I'm still planning to go to Hyderabad. I need to have a few confirmed reservations, then I'll go. Otherwise, I'll talk to these people on the phone. Thank you very much and take care.